हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कोडशाला। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम नगेरो कोडिंग राउंड को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन सेकंड का पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। हमें 3 सॉर्टेड एरे गिवन है और हमें कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए बिग ओ ऑफ एन और हमें बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के इसको सॉल्व करना है। हमारे गिवन एरेज हैं ए, बी एंड सी, तीनों ही सॉर्टेड हैं और हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं जैसे 2, 7, 19, 21 एंड 28 और इनको सिंपली प्रिंट करा देना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड 1। मेथड 1 में हम देखेंगे कि हम 3 लूप्स को यूज़ करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई जे के, जिसमें आई जे के तीनों ही इंडेक्स वेरिएबल्स हैं। देन एक फ्लैग वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे स्टार्टिंग में। अब फर्स्ट 4 लूप स्टार्ट होगा जिसमें आई की वैल्यू 0 से एन माइनस 1 तक जाएगी। देन सेकेंड हमारा 4 लूप यहाँ पर स्टार्ट होगा जस्ट फर्स्ट 4 लूप के बाद, इसमें जे की वैल्यू 0 से एन माइनस 1 जाएगी। देन सेकेंड वाले 4 लूप के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसमें हम चेक करेंगे कि एरे ए के अंदर आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, एरे बी के अंदर जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। सेम है देन हम इफ स्टेटमेंट में जाएंगे, सेम नहीं है देन सिंपली जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जब सेम होती हैं तब हमारा थर्ड 4 लूप स्टार्ट होगा जिसमें के की वैल्यू 0 से लेके एन माइनस 1 तक जाएगी। देन अगेन हम के वाले 4 लूप के अंदर फिर से चेक करेंगे एरे ए के अंदर आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और अब थर्ड वाले एरे की बात करेंगे एरे सी के अंदर जो के इंडेक्स पे वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है देन हम फर्दर इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, अदरवाइज के की वैल्यू सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। जब इक्वल होंगे तब हमें फ्लैग की वैल्यू 1 कर देनी है एंड हमें सिंपली वो प्रिंट करा देना है। फ्लैग की वैल्यू 1 हमने इसलिए की क्योंकि हमें एलिमेंट मिल गया है, हमें तीनों ही एरेज में कॉमन एलिमेंट मिल चुका है। एलिमेंट प्रिंट कराने के बाद हमें 4 लूप में फर्दर सर्चिंग नहीं करनी है, के वाले 4 लूप में फर्दर सर्चिंग नहीं करनी है और ब्रेक स्टेटमेंट लगा के वाले 4 लूप से बाहर आ जाना है। देन हमें देखना है कि जे वाले 4 लूप में भी फर्दर सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा आई को ही बढ़ाना है, तो एक और ब्रेक स्टेटमेंट लगा के जे वाले 4 लूप से भी बाहर आ जाएंगे। और अब इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, देन फिर से 4 लूप चलेगा जे वाला, देन इफ स्टेटमेंट आएगी, देन के वाला 4 लूप चलेगा। ऐसे ही प्रोसेस बढ़ती जाएगी जब तक आई एन माइनस 1 तक नहीं पहुँच जाता। मान लीजिए अगर इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम? देन हम देखेंगे कि फ्लैग की वैल्यू 1 कब हुई है, जब हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया है। अगर नहीं मिला तो फ्लैग की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी और ये इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। चलो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। ये हमारे 3 एरेज थे। स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट 4 लूप था उसमें आई इंडेक्स 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, और फिर हमारा सेकंड 4 लूप स्टार्ट होता है जिसमें जे भी 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। देन हम चेक करेंगे कि जे इंडेक्स पे एरे बी की वैल्यू एरे ए की वैल्यू आई इंडेक्स के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है देन हम फर्दर सी वाले एरे के पास जाएंगे, अदरवाइज जे की वैल्यू सिंपली इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमें इक्वल वैल्यूज़ नहीं मिलती, और ऐसे ही हमारा जे वाला इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर जे को लास्ट तक कोई वैल्यू नहीं मिली देन हम सिंपली 4 लूप जो है आई वाला उस पे फ्लो पहुंच जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन फिर हम जे में चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो थर्ड 4 लूप के पास जाएंगे और फिर से चेक करेंगे, अगर इक्वल है देन फ्लैग की वैल्यू 1 करके इस एलिमेंट को करा देंगे प्रिंट। देन फ्लो कहाँ जाएगा? आई वाले 4 लूप के पास, और आई की वैल्यू बढ़ेगी। देन अगेन जे की वैल्यू बढ़ेगी और चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है देन आई की वैल्यू सिंपली इंक्रीमेंट होती है। अगर इक्वल है देन थर्ड वाले 4 लूप में जाएंगे, अगर वो भी इक्वल है तो एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। देन फ्लो फिर से
आई वाले फोर लूप के पास चला जाएगा, और ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम था और विजुअलाइजेशन था हमारे प्रोग्राम का, कि हमने कैसे तीन लूप्स को यूज़ करके इसको सोल्व किया है और हमने सारे कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है और मैंने बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए इसको सोल्व कर दिया है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन नहीं आई है, इसलिए हमारे ये क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। तो इससे बेटर अप्रोच मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।